क्या आप जानते हैं कि इस सांप की पूंछ पर आखिर ये मकड़ी क्या कर रही है? क्या आप ये जानते हैं कि ये सांप बिना पंखों की हवा में कैसे उड़ता है? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल स्नेक प्लैनेट पे। पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक। इंडोनेशिया और मलेशिया के वर्षावन जंगलों में रहने वाला ये सांप बहुत ही अनोखा है। इसकी दुनिया में कुल 5 स्पीशीज पाई जाती हैं, जो कि काफ़ी जहरीली भी मानी जाती हैं। इस सांप की लंबाई 4 से 5 फीट तक की होती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस सांप के कोई भी हिडन पंख नहीं होते हैं। ये सांप दरअसल एक पक्षी की तरह नहीं बल्कि एक पैराशूट की तरह हवा में ग्लाइड करता। आप सोच रहे होंगे कि एक सांप भला पैराशूट की तरह कैसे उड़ सकता है? बता दूं कि इसकी बोन्स काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं। अपने मसल्स को एक्सपेंड करके ये 4 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा हो जाता है। ऐसा ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए करते हैं। हवा में जंप करने के बाद ये 25 से 30 मीटर दूर तक ग्लाइड कर सकते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में कभी इस सांप को देखा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नंबर 6, वेस्टर्न डायमंड बैक रैटल स्नेक। ये सांप पूरे अमेरिका में आपको भी देखने को मिल जाएगा। इस सांप को दुनिया के सबसे जहरीले सांपों की लिस्ट में भी गिना जाता है। इस सांप के अंदर बहुत ही खतरनाक हीमोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है, जो कि एक इंसान को चंद घंटों में मारने के लिए काफ़ी होता है। ये सांप दरअसल आम इंसानों से दूर रहने की कोशिश करता है। चेतावनी के लिए ये अपनी पूंछ पे बने रैटल से एक साउंड प्रोड्यूस करता है। आप सब ने बचपन में इस तरह के झुंझुनू से तो खेला ही होगा। दरअसल इस सांप की टेल में हड्डियों के काफ़ी शेल्स होते हैं, जिन्हें ये हिलाकर शेक करके एक साउंड प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल एक रैटल की तरह, ताकि शिकारी और घुसपैठियों को खुद से दूर रख सके। ब्लैक मांबा, अफ्रीका का सबसे जहरीला सांप। इस सांप के अंदर बहुत ही खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। अगर ये सांप किसी व्यक्ति को काट ले तो चंद मिनटों में उसकी मौत हो सकती है इलाज ना मिलने पर। ये सांप दुनिया के जहरीले सांपों की लिस्ट में 2 नंबर पर आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसे दुनिया का वर्ल्ड फास्टेस्ट स्नेक भी कहा जाता है, क्योंकि ज़मीन पर इसकी स्पीड 11 से 18 किलोमीटर पर आवर की होती है। और इसका मुंह अंदर से पूरी तरह से ब्लैक होता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि यह सांप सीधा नर्क से आया है। इस सांप की लंबाई 9 से 14 फुट तक की हो सकती है। इस सांप से सामना होने पर इससे दूर ही रहें तो ज़्यादा बेटर है। नंबर 4, मोजाम्बिक स्पिटिंग कोबरा। स्पिटिंग कोबरा सवाना अफ्रीका, डरबन और टैंजेनिया में पाया जाने वाला कोबरा स्पीशीज का सबसे खतरनाक सांप माना जाता है। इस सांप के अंदर भी न्यूरोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन जहर पाया जाता है, जो कि बहुत ही जहरीला होता है। इस सांप की लंबाई 6 से 10 फीट तक की होती है। स्पिटिंग कोबरा के अंदर एक बहुत ही अनोखी खासियत होती है। ये अपना जहर 10 से 12 फीट दूर तक भी स्पिट कर सकते हैं। अगर इसका जहर आपकी आंखों में चला जाए, आप ज़िंदगी भर के लिए अंधे भी हो सकते हैं। इस सांप से सामना होने पर इससे 15 फीट की दूरी बनाए रखें। दुनिया के बाकी सांप अपने दांतों के छोर से जहर निकालते हैं, लेकिन स्पिटिंग कोबरा अपने दांतों के अगले हिस्से से जहर निकालता है, जिसकी मदद से ये अपना जहर और भी ज़्यादा दूर तक स्पिट कर पाता है। नंबर 3, द साइड वाइंडर स्नेक। साइड वाइंडर नॉर्थ अमेरिका, मेक्सिको डेजर्ट और सहारा रेगिस्तानों में पाया जाता है। ये नाम इसे इसके टेढ़े चलने की वजह से मिला है। ये काफ़ी छोटे जीव होते हैं। इनकी लंबाई 15 से 20 इंचेस की होती है और ये काफ़ी जहरीले होते हैं। इनकी बाइट बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है। ये घात लगा कर शिकार करता है। ये रेत में अपनी बॉडी को कुछ इस तरह से छुपाता है कि लगभग पहचानना बिल्कुल नामुमकिन होता है। और जब कोई लिजर्ड इसके दायरे में आता है तो वो आसानी से शिकार हो जाता है। साइड वाइंडर के मुंह में फंसने के बाद कोई भी शिकार आसानी से भाग नहीं सकता। नंबर 2, ईस्टर्न हॉगनोज स्नेक। ये नाम इसे इसकी नाक की वजह से मिला है। ये सांप साउथ फ्लोरिडा, कनाडा, टेक्सास और नॉर्थ अमेरिका जैसे शहरों में पाए जाते हैं। ये सांप दूसरे सांपों से काफ़ी अलग होता है। इसकी दुनिया में कुल 4 स्पीशीज पाई जाती हैं। ये एक नॉन वेनमस स्नेक है। इंसानों के लिए ये इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है अगर ये इंसान को बाइट कर ले।
इसके बाइट करने पर थोड़ी बहुत स्वेलिंग वगैरह होती है जो कि बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, आपको ज़्यादा इंज्योर नहीं करती। ये अपनी बॉडी को फुलाकर एक पफ एडर की तरह शिकारी को डराने की कोशिश करता है, और जब इसकी ये तरकीबें काम नहीं आती तो ये कुछ इस तरह से मरने की एक्टिंग करता है ताकि शिकारी को लगे ये मर चुका है और वो वहाँ से चला जाता और आपको ऐसा लगेगा कि ये मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ शिकारी से बचने के लिए ऐसा बिहेव करते हैं। जब शिकारी इसे मुर्दा समझ के चला जाता है तो ये वापस से नॉर्मल होकर अपने रास्ते निकल जाता है। नंबर 1, ईरानियन स्पाइडर टेल स्नेक। ये सांप ईरान के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। इसकी कैमोफ्लेज स्किन की वजह से इसे पत्थरों के बीच पहचानना लगभग नामुमकिन होता है, जिसके चलते ये शिकारियों को धोखा दे देता है। इनकी लंबाई 55 से 86 सेंटीमीटर की होती है। ये हाईली वेनमस होता है। इसके अंदर बहुत ही ख़तरनाक न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है। इसकी पूंछ एक बिल्कुल मकड़ी की तरह होती है, जिसका इस्तेमाल ये शिकार को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए करते हैं। ये अपनी बॉडी पे अपनी टेल को कुछ इस तरह से चलाते हैं कि पक्षियों को ये एक मकड़ी नज़र आती है, जिसके चलते ये शिकार के चक्कर में खुद शिकार हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।